बड़ी खबर राजस्थान के दौसा से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से, जहां मानपुर चौराहे पर भैंसों से भरा एक ट्रक जब्त हुआ है। हादसे में दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। मृतक कमलेश गुजर मरियाड़ा के रूप में शिनाख्त हुई है, जहां मानपुर पुलिस ने ट्रक को मौके से हटाया है। जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था भैंसों से भरा ट्रक, जो कि मानपुर चौराहे पर पलट गया है। इस हादसे में दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की कमलेश गुजर मरियाड़ा के रूप में पहचान की गई है। मानपुर पुलिस ने ट्रक को मौके से हटवा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से, जहां मानपुर चौराहे पर एक भैंसों से भरा ट्रक पलट गया और इस हादसे में दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कमलेश मरियाड़ के रूप में हुई है। आपको बता दें, जयपुर से भरतपुर की ओर यह भैंसों से भरा ट्रक जा रहा था और रास्ते में यह पलट गया। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राधेश्याम गुजर हमारे साथ जुड़े। राधेश्याम, आपसे जानना चाहेंगे, भैंसों से भरा ट्रक पलट गया है, क्या है पूरा मामला? जी कृतिका, मैं आपको बता दूं, ये बीती रात की घटना है। जब भरतपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था भैंसों से भरा, तो इस दौरान क्या है, मानपुर चौराहे पर कुछ बाइक सवार वगैरह खड़े हुए थे, तो वो ट्रक अचानक संतुलन बिगड़ के जो है पलटी खा गया और उसके नीचे एक बाइक सवार आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इसमें दो अन्य जने भी घायल हुए हैं, जिनको सिटराय से जयपुर जो दौसा रेफर कर दिया गया था। और खास तौर से कृतिका मैं आपको बताऊं, ये जो मानपुर है, मेहंदीपुर बालाजी मोड़ है, ऐसे कई अवैध खतरे हैं चौराहों पर। इनके लिए जो है आवाजाही के लिए अंडरपास भी बने हुए हैं, लेकिन उन अंडरपासों का उपयोग नहीं होता है और वहां जो है इस तरीके से एक अफरतफरी जैसा माहौल होता है, इस वजह से ये घटनाएं अधिकतर होती हैं। जी कृतिका जी, राधेश्याम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ट्रक में भैंसे भी थी, तो क्या वो भी दुर्घटना का शिकार हुई है? जी जी कृतिका, कई ये जो भैंसे हैं, कई जो है भैंसों को चोट आई है, तो ट्रक जो है सड़क पर पलटा है, वो डिवाइडर पर चढ़ के, तो एक बड़ी घटना हुई है ऐसा नहीं है। लेकिन जो पुलिस ने तत्परता दिखाई और सब अपनी जो है साथी ट्रेन को बुला के और ट्रक को जो खड़ा किया और यातायात को सुचारू करवाया। जी राधेश्याम, तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है वो चालक की लापरवाही से हुआ है? जी 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 कृतिका, मैं आपको बता दूं, चालक की लापरवाही तो इसमें बताई जाती है, लेकिन ये भी एक बिंदु है कि जिस प्रकार से लोग जो अवैध कट बने हुए हैं और उसको जो है एनएचएआई ने छोड़ रखे हैं, उस कट के बीच में जो है जो डिवाइडर के बीच में थोड़ी बहुत जगह होती है, वहाँ जो है बाइकों को उनको खड़ा कर दिया जाता है वाहन निकलने के इंतजार में जो है क्रॉस करने के लिए, तो वो भी एक कारण होता है। तो आने जाने जो वाले जो वाहन है वो जो है सस्पे असम पड़ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ता है उनको, तो उस वजह से भी ये घटनाएं आए दिन होती है और वहाँ पर अनेकों घटनाएं हो चुकी है। जी कृतिका जी, धन्यवाद राधेश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।